शहद का सेवन करें अनेक रोगों से छुटकारा पाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान आयुर्वेदा चैनल। दोस्तों, आप अभी तक हमारे गुरु ज्ञान आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए ताकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच लाता रहूं। दोस्तों, शहद का प्रयोग भारत के अलावा दूसरी सभ्यताओं में काफी पुरानी समय से चली आ रही है, क्योंकि शहद में बीमारियों को दूर करने की क्षमता काफी होती है। दवाइयों के रूप में शहद का प्रयोग सबसे पुराने सबूत सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों से मिलते हैं, जो कि आज के लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं। भारत में बहुत ही पुराने समय से शहद का प्रयोग होते आ रहा है। पुराने समय में मिस्र की सभ्यता में शहद का इस्तेमाल त्वचा की बीमारियां, आंखों की बीमारियां और चोट को ठीक करने में किया जाता था, क्योंकि शहद में घाव को ठीक करने की क्षमता काफी प्रबल होती है। तो आइए आगे जानते हैं शहद के कुछ चमत्कारी गुण यानी फायदे के बारे में। दोस्तों, शहद आपके खून के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप शहद को हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीते हैं तो आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। ये रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं आपके शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। तो अपने शरीर को खून की कमी को पूरा करने के लिए शहद का इस्तेमाल आप जरूर करें। इसके अलावा सर्दी जुकाम में शहद बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको सर्दी जुकाम या बंद नाक की समस्या होती हो तो इसके लिए काली मिर्च के दो दानों को 2 चम्मच शहद में मिला लीजिए और सुबह उठकर काली मिर्च के दाने को खा लीजिए। इससे आपके सर्दी जुकाम बंद नाक से बहुत जल्द राहत मिलती है। के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में शहद बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आजकल काफी लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और कभी बैठे बैठे चक्कर भी आ जाती है, तो ये सब आपके शरीर में अनबैलेंस होने के कारण होता है। तो इसके लिए आप नियमित रूप से शहद का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहता है। शहद पीलिया रोगियों के लिए बहुत ही असरदार औषधि है। इसके लिए पके आम के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से पीलिया रोगों से बहुत जल्द मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शहद चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखने में बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए दूध, मलाई, बेसन के साथ शहद मिलाकर उपटन तैयार करके रोजाना लगाने से चेहरे की खूबसूरती हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे शहद के चमत्कारी गुण यानी फायदे। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले जानकारी के साथ।